इसमें हम चेक करेंगे, मतलब ये मेमोरी कार्ड में इशू आ रहा है इसके कोई, तो लगाते हैं तो फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग बाद फिर भी मतलब देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। ये दो मेमोरी कार्ड है मेरे पास, एक तो है 128 GB का, ये चेक करिए, और एक है 32 GB का। तो इसमें मतलब इशू आ रहा है 128 GB में, 32 GB तो प्रॉपर काम कर रहा है बट ये 128 GB प्रॉपर काम नहीं कर रहा। इसको लगा के चेक करते हैं अपन, क्या इशू है क्या नहीं है। इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑन करते हैं। तो भाई चेक करिए, ऑन हो चुका है। हम जैसे वीडियो क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग का मांग रहा है, ये देखिए, ये चेक करिए, फॉर्मेट कर देते हैं इसको। इसको टाइम लगेगा फॉर्मेटिंग में, थोड़ा वेट करिए आप। तो इसमें लगाते हैं गाइस 32 GB का मेमोरी कार्ड, तो इसको खोलते हैं पहले, सबसे पहले तो ये खोल लेते हैं इसको। ये तो अपना काम नहीं करा गाइस, ये लगाते हैं 32 GB का मेमोरी कार्ड, ये चेक करते हैं, ये देखो ये लगाता है, ये कर जाएगा काम गाइस, बट वो 128 GB पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। बस उसके अंदर आता है माइक्रो एस डी एक्सट्रीम के नाम से आता है कुछ, लग नहीं रहा थोड़ा, ये हो गया। इसको पावर ऑफ कर लेते हैं, बड़ी इसको ऑन कर लेते हैं, फिर तो ये तो काम कर रहा है गाइस, ये देखिए आप, ये तो काम कर रहा है प्रॉपर, ये देखिए। बट वो 128 GB का कुछ इशू आ रहा है बट इस कारण नहीं कर रहा, बट 32 GB का सेम वही है, बट ये भी वर्क कर रहा है। तो मेरा तो यही ओपिनियन होगा आपका कि आप 128 GB में एक्सट्रीम नाम से आता है वो परचेज़ करिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।